नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। योगा फेडरेशन अंबाला हरियाणा की ओर से श्री सनातन धर्म शिव मंदिर धर्मशाला लाल कुर्ती में चल रही योग कक्षा में आज योगा फेडरेशन हरियाणा के अध्यक्ष राजेंद्र विज ने अपनी पूरी टीम के साथ जाकर औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया और अनुपस्थित योग प्रेमियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें साधुवाद दिया। राजेंद्र विज ने अपने संबोधन में बताया कि ऋषि पतंजलि से कई वर्ष पूर्व योगा का जिक्र हमारे वेदों और गीता में आता है। श्री भगवान कृष्ण ने हृदय और मन से टूट चुके अर्जुन को बताया कि शरीर और मन को मजबूत और नियंत्रित करने के लिए हर आदमी को कम से कम तीन प्रकार के योग खाली पेट अवश्य करने चाहिए। गीता में 18 बार उन्होंने अलग अलग श्लोकों में योग का जिक्र करते हुए कहा कि हमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। राजेंद्र विज ने ये कहकर दोनों योगाचार्य नीरू अग्रवाल और पूजा शर्मा की भरपूर प्रशंसा की कि उन्होंने लाल कुर्ती में एक हफ्ते के अंदर ही पूर्ण योग शाला खड़ी कर दी। अम्बाला छावनी से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।